अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से खैर से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ नाहम क्लास फिजिक्स का गैस पेपर शेयर करेंगे जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी हुआ है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो है वो है जी किलोग्राम है। किलोग्राम बेस यूनिट है या बेस क्वांटिटी डिराइव्ड, या तो ये बेस क्वांटिटी है। और उसके बाद जो है एक मीटर रॉड बराबर होता है, एक मीटर बराबर होता है जी। और उसके बाद जो है तीसरा है जी आज़ादाना गिरते हुए शाम का एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वो 10 के बराबर ही होता है जी। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून का फार्मूला है जी एफ बराबर एम ए, पहला जो है। और इंग्लिश में ही आप पढ़ देते हैं क्योंकि उर्दू में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ विद 30 विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी, भी आप लोग देख लीजिएगा। और चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कितने दिन में मुकम्मल करता है, 27.3 है मेरे ख्याल में। जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर क्या वर्क उसकी एनर्जी की शक्ल में जाहिर होता है, तो ये वाला आप लोगों ने देख लेना है जी। एक मेगावाट इक्वल होता बराबर होता है, और ये है 10 की पावर 6 होता है जी। हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है पास्कल के कानून पर, ये काम करता है जी। और हरारत के बहाव की शरह है, तो ये यू ओवर टी है मेरे ख्याल से। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जी 100 सेल्सियस ही होता है। तो इस्लाम में हरारत का तरीका है, तो इस्लाम में कंडक्शन के तरीके से मेरे ख्याल से होते हैं। 12 MCQs हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 48 नंबर होते हैं टोटल इसमें, और 1 घंटा 45 मिनट वक्त होता है। तो ये हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज़, नेम टू डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और दूसरा जो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल। और उसके बाद जो है जी वेनियर कैलिपर क्या है, और उसका लीस्ट काउंट बताएं जी। और उसके बाद रैंडम मोशन, और उसके साथ एग्जांपल बयान करनी है, और वेलोसिटी की तारीफ़ करनी है आप लोगों ने, और उसकी इक्वेशन बतानी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसकी इक्वेशन भी, और एक्शन और रिएक्शन आल ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज ए बॉडी मूव। जब एक्शन और रिएक्शन बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं तो वो जिसम कैसे हरकत करता है, ये बताना है आप लोगों ने। मास और वेट में फ़र्क बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसके बाद वे हाइट ऑफ ए व्हीकल इज कैप्ट एज लो एज पॉसिबल, गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है, ये फ्रैक्शन की वजह से रखी जाती है जी। और उसके बाद ये तीसरा जो है न्यूमेरिकल आ गया है, ए मैकेनिक्स टाइटन द नट ऑफ बाइसाइकल यूजिंग ए 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहते उसको आप लोगों ने पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर न्यूटन है, और टार्क वाला फार्मूला लगा के आप लोगों ने मालूम कर लेना है जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मालूम करना है जी, जो बड़ा जी होता है, और उसकी वैल्यू बयान करनी है आप लोगों ने। और फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड सेटेलाइट बयान करना है आप लोगों ने। और उसके बाद आर्टिफिशियल सेटेलाइट और नेचुरल सेटेलाइट्स में फ़र्क बयान करना है, और एनर्जी की तारीफ़ करनी है उसके बाद आप लोगों ने, और उसकी 2 एक्सम बयान करनी है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। जो 8वां है जी वो पावर की डिफाइन करनी है, और उसका SI यूनिट्स बयान करना है। और उसके बाद जो है जी तीसरा जो होता है क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों ने स्ट्रेस की डिफाइन करनी है, और उसके बाद उसका यूनिट, और शिप्स एंड सबमरीन में डिफरेंस क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है जी, और स्पेसिफिक हीट
और उसका मैथमेटिकल फार्मूला बयान करना है, वेपोरेशन से क्या मुराद है और इसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उस पर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाल हरारत से क्या मुराद है, इनके तरीके तीन जो कंडक्शन रेडिएशन कन्वेक्शन बयान करने हैं, कन्वेक्शन और कंडक्शन में फ़र्क बयान करना है, और नेम एनी टू एक्सपर्ट थर्मल क्लिम्पर्स। परिंदों के ईगल एक हो गया, दूसरा पता नहीं कौन सा है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं। और उसके बाद जो है जी आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो लॉन्ग है जी, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से साबित कीजिए दो ए एस बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये न्यूटन का कानून है, इक्वेशन ऑफ मोशन है जी। और उसके बाद ये है, हाउ मच सेंट्रीपेटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.1 केजी मूव इन अ सेंट्रल रेडियस विद स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दूसरा है जी। और उसके बाद जो है जी छठा जो होता है, चार नंबर का जी सवाल होता है और पांच नंबर की जो थ्योरी होती है, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बयान करना है। और उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है जी, ए मोटर बोट्स मूव एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट 4 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस इंजन। तो इसके इंजन की पावर ही मालूम करनी है, पावर वाले ही फार्मूले से होगा ये। और उसके बाद जो है पास्कल का कानून बयान करना है जी, और हाइड्रोलिक प्रेस किस तरह पास्कल के कानून पर काम करता है। और उसके बाद जो है जी लास्ट वाला जो है क्वेश्चन, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 सेल्सियस टू 0.20 सेल्सियस। पहले आप लोगों ने सबसे पहले टेम्परेचर कैलकुलेट सही तरीके से कर लेना है केल्विन में। और उसके बाद इस इफ़ द थर्मल कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.5 × 10⁻¹⁵ और केल्विन। तो ये दोस्तों हुकूमत पंजाब की तरफ से जो केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का पेपर जारी हुआ है, इस पेपर वो हमने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर